इस तरह से आ रहा होगा ना आपका, जैसे अभी आ रहा है अनमोल। यस हाँ, अब आपका इसका आपको क्लोज बटन और ये करना है, तो आपको क्या करना है, अपने माउस पे लेफ्ट क्लिक बटन प्रेस करके रखना है और इसको ड्रैग किया और यहाँ पे हमने ड्रॉप कर दिया, और इस तरह से ये फिर एक मतलब अनपिन हो जाएगा। यहाँ से वो पिन हुआ होता है ऊपर वहां पे, उसको अनपिन करके हमने यहाँ बाहर निकाल लिया। मैं इसको दोबारा से पकड़ के अगर यहाँ पे छोड़ूंगा ना, ये देखो तो यहाँ पे ड्रॉप किया, तो यहाँ पे फिर ये स्टिक हो गया इस तरह से। अब इसके ऑप्शन नहीं आ रहे इसके क्लोज और वो। इसको क्या करना है हमने, अगर आपके पास यस अगर कभी ऐसी प्रॉब्लम हो ना, आप साथ में लैपटॉप भी रखा करो। अभी आपके पास अगर लैपटॉप है तो ट्राई करो ओपन करके, उसको लेफ्ट क्लिक प्रेस करके रखना है और जहां पे हमने इसको यहाँ पे नीचे इसको ड्रॉप कर दिया, ड्रैग एंड ड्रॉप, और फिर दोबारा से हमने इसको पकड़ के रखना है, छोड़ना नहीं है, प्रेस करके रख के रखना है उसको लेफ्ट क्लिक को, और फिर यहाँ पे हमने इसको ड्रॉप कर दिया, तो यहाँ ये पिन हो गया, ऐसे अनपिन हो गया। ठीक है, अगर आपके पास लैपटॉप है अभी सर कंप्यूटर है तो ट्राई कर लो एक बार, और किसी को कोई प्रॉब्लम आई अभी है ट्राई तो यस कर लिया। सर, मुझे भी नहीं पता लगा था, पता लग गया, मैंने कर लिया ट्राई साथ अच्छा हो गया। हाँ, साथ। क्योंकि स्टार्टिंग में छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आएंगी आपको इस तरह की ना, तो आप प्रॉब्लम कई बार क्लास होती है जब मैं भी आपकी तरह, तो हमें ध्यान भी नहीं रहता कि हमने पूछना क्या था, तो एक नोटबुक पे लिख लिया करो कि कल हमने सर से ये चीजें पूछनी है। ठीक है, अगर आपने कोई डिजाइन भी अगर देखा है कोई रेक्टेंगल या कुछ, तो व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दो अभी के अभी, और मैं उसका आंसर कर दूंगा कि ये वाली शेप कैसे बनी है, या जितने अभी तक हमने टूल किए हैं क्या ये डिजाइन उन टूल्स के थ्रू बन सकता है। इस तरह के क्वेश्चन भी आप किया करो, कोई भी आपकी डेली लाइफ या कोई भी आप देख रहे हो, कोई पिक्चर नेट पे, फोन में, न्यूज़पेपर में, मैगजीन में। अब एक आज आपको मैं नेक्स्ट एक और असाइनमेंट बता देता हूँ, जो हम जिसको ये दो इमेजेस हैं, ये भी शायद मैंने ग्रुप में उस दिन शेयर कर दी थी आपको। अब क्या करना है इन इमेजेस में हमने ये वाला जो बैकग्राउंड है यहाँ पे इन पिलर्स के पीछे का, ये बैकग्राउंड हमें डिलीट करके यहाँ सनफ्लावर वाली इमेज डालनी है, राइट। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस लेयर को भी अनलॉक कर लेंगे और इस लेयर को भी अनलॉक कर लेंगे, और अब यहाँ पे गए, ठीक है। अब इसको मैक्सिमाइज करेंगे हम कंट्रोल प्लस करके, क्योंकि अभी इसको सिलेक्शन करनी है हमने, यहाँ से इसको डिलीट करना है। तो पॉलीगन लैसो टूल लिया और फेदर की वैल्यू 1 रखनी है। 1 इसलिए रखनी है ताकि बिल्कुल शार्प एजेस ना आए। अब सम टाइम आपको ये भी प्रॉब्लम आएगी, जो अभी मैंने नोटिस किया, आपके अगर कैप्स लॉक ऑन होगा तो आपको गिज्मो नहीं दिखेगा, पॉलीगन लैसो वाला जो एक टूल की शेप होती है वो नहीं दिखेगी। देखो नहीं दिख रहा, अभी एक आपको क्रॉस दिख रहा है, एक दिख रहा है, ये देखो क्रॉस था, एक सिर्फ क्रॉस दिख रहा है। बट जैसे मैं कैप्स लॉक को ऑन करता हूँ, तो जो पॉलीगन लैसो वाला टूल की जो एक शेप होती है वो आपके पास अपेयर होगी, आप इजीली सिलेक्ट कर सकते हो। अब सिलेक्ट वैसे भी हो जाएगा बट आपको पता नहीं चलेगा कहाँ क्लिक हो रहा है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, अभी हम फेदर 1 रखा ताकि उसके थोड़े से ब्लेंडेड कॉर्नर आए। अब क्या करते हैं, ये बहुत बड़ी सिलेक्शन है उधर, सम टाइम कई बार आप प्रोफेशनल भी हो तब भी आपसे गलती से डबल क्लिक हो जाता है और आपकी सारी सिलेक्शन खराब हो जाती है। तो मैं क्या क्या कहता हूँ, अभी जितना जितना भी हमने सिलेक्ट किया है, मैं उसको यहाँ से इस तरह से ज्वाइन कर देता हूँ कि जितनी अभी सिलेक्शन हुई है इतने से पार्ट को डिलीट बटन प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, और वो डिलीट हो गया, ताकि मुझे दोबारा से सिलेक्ट ना करना पड़े। मैं आपको बता देता हूँ डबल क्लिक से क्या होता है, गलती से
जैसे आपने कोई 10 मिनट लगाए कोई बड़ी सिलेक्शन है और गलती से एंड में जाके आपसे डबल क्लिक हो गया, तो फिर दोबारा उस चीज को करना मतलब आपको बड़ा इरिटेटिंग सा लगता है। जैसे मैं ये कर रहा हूँ, अभी यहाँ क्लिक किया, मैं डबल क्लिक हो गया, ये देखो मेरी सिलेक्शन यहाँ से डायरेक्ट सीधा और ऐसे कहीं से भी सिलेक्ट हो गया। तो ये ध्यान रखना है आपने, ठीक है, इसको पार्ट्स में डिलीट कर लो, अलग अलग सिलेक्शन करके डिलीट कर लो। से इसको सिलेक्ट करते जाएंगे, अभी जैसे इतना सिलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल माइनस छोटा किया और डिलीट। अब ये लेयर पैनल हमारे सामने आ रहा है तो इसको साइड में कर लेंगे, इसको क्लोज कर लेंगे और फिर इसको दोबारा से सिलेक्ट करते हैं ये वाले को। आपको बस ये ध्यान रखना है कि इसको जूम इन करके करना है, अगर आप इसको जूम इन करके नहीं करोगे तो सिलेक्शन आपकी प्रॉपर नहीं होगी और आपके एजेस ऐसे थोड़े क्लियर नहीं आएंगे। ये देखो अब गलती से मेरे से डबल क्लिक हो गए, यहाँ पे सिलेक्शन खराब हो गई ऊपर वाली सारी, ठीक है, बट अभी थोड़ी सी सिलेक्शन ये वाली। अब इसमें क्या है, ऊपर वाली सिलेक्शन देखो मेरी सेफ है, तो मैं क्या करूंगा, इसको मैंने मिनिमाइज किया और अगर मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ अभी, तो यहाँ नीचे से भी डिलीट हो रहा है। देखो यहाँ पे ये मुझे ये वाला पार्ट डिलीट नहीं करना था, क्योंकि ये डबल क्लिक हुआ तो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गया वहां से। तो मैंने क्या करना है, इसको सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन में गए और इस सिलेक्शन को मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, वहां से वो सिलेक्शन हट गई। अब इजीली मैंने इतना इतना पार्ट डिलीट कर दिया ये वाले को, ठीक है। अब इसको सिलेक्ट करेंगे वहां से, ये डिलीट कर दिया। अब जो ये सिलेक्शन रह गई है इसको डिलीट कर लेते हैं, ये इतना आपका ये सारा डिलीट करना है, जो ये वाला पार्ट है जितनी भी जहां जहां पर डिलीट कर दिया, ठीक है। ऐसे ये इधर पार्ट भी डिलीट करेंगे और ये ऊपर वाला स्काई भी डिलीट करेंगे। फिर क्या करना है, हमने मूव टूल सिलेक्ट करना है और इस इमेज को सिलेक्ट करना है ड्रैग एंड ड्रॉप। अभी इसके ऊपर आ रही है इमेज, तो लेयर्स को लेके आएंगे इधर, ठीक है, इसको हमने उसके नीचे कर दिया और कंट्रोल डी से इसको स्केल कर देंगे ऐसे, ठीक है। तो उसके पीछे का बैकग्राउंड ये आ गया। अभी हमने यहाँ से डिलीट नहीं करा, मैं आपको रफ सा बता देता हूँ कि ये वाला पार्ट भी डिलीट होना है, इसको आपने प्रॉपरली डिलीट करना है। यहाँ पे भी वही बैकग्राउंड दिखेगी, डिलीट सॉरी लेयर्स का ध्यान रखना है, ऊपर वाली लेयर से डिलीट करना है हमने, डिलीट वहां पे भी वही दिखने लग गया और यहाँ स्काई वाला पार्ट को भी, क्योंकि वही वाला स्काई दिखे, स्काई के कलर में डिफरेंस ना आए। अब ये सेम ऐसे ही कलर स्काई का यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आपको अपनी बैकग्राउंड को चेंज करना है। अब ये तो होगी आपकी असाइनमेंट। अब इन असाइनमेंट्स को करने के बाद आपने अपनी इमेजेस के साथ, जैसे खुद की आप कहीं भी टेरेस पे खड़े हो जाओ, इमेज क्लिक करो और बैकग्राउंड चेंज करो उसकी, आपने सिंपल क्या करना है, अपनी इमेज को लेना है, कटिंग करके उसकी बैकग्राउंड को डिलीट करना है और अपनी इमेज को सिलेक्ट करके किसी बैकग्राउंड में आपने ड्रॉप कर देना है इस तरह से, ड्रैग एंड ड्रॉप, तो बैकग्राउंड चेंज हो जाएगी, ठीक है। ये अब आपने अपनी इमेजेस के साथ करना है, जितने भी आप सेलिब्रिटीज के वॉलपेपर्स देखते हो, जो उनकी बैकग्राउंड्स होती हैं वो इसी तरह से जनरेट होती हैं, सारी एडिटेड होती हैं वो ओरिजिनल बैकग्राउंड। इवन जो काफी फेमस फोटोग्राफर्स हैं वो सब लोग बैकग्राउंड्स बाद में एडिट करते हैं, और जितनी भी आप जो सेलिब्रिटीज के फोटोज देखते हो तो हम बोलते हैं कि बहुत वाह, बहुत कितनी अच्छी फोटो क्लिक करी हुई है, कितना अच्छा ये फोटोग्राफ है, बट जो कैमरा है वो सिर्फ 50% काम करता है फोटो खींचने में। 50% मतलब कि उसका एंगल कैसे रखना है, लाइटिंग कैसे रखनी है,
बट जो उसकी असली एनहांसमेंट होती है फोटोग्राफ की वो इन्हीं सॉफ्टवेयर में होती है, फोटोशॉप में या लाइट रूम में, कि उसकी कलर ग्रेडिंग करना, उसकी कलर करेक्शन करना, उसके कलर्स को थोड़ा और एनहांस करना, वो सारी ग्रेडिंग इसी फोटोशॉप सॉफ्टवेयर के अंदर होती है। तो 50% काम कैमरा करता है। जैसे आपने अपने मोबाइल में भी देखा होगा, आप विदाउट फिल्टर फोटो क्लिक करो तो अच्छी नहीं आती है, जब फिल्टर लगाते हैं साथ में तो फोटो बहुत अच्छी आ जाती है। सेम इसी तरह से ये फिल्टर है एक तरह से, मतलब इसमें आपको मैनुअली काम करना है क्योंकि हर फोटोग्राफ के अकॉर्डिंगली आपको सेटिंग्स करनी होती है कि किस तरह से उसको कितनी किसकी वैल्यू रखनी है। रेफरेंस इमेजेस हैं, ये देखो इस तरह से हैं। अब आप इस ये रेफरेंस इमेजेस हैं जस्ट आपको दिखाने के लिए कि जैसे ये एलिफेंट है, इस एलिफेंट को आप इस कार के आगे खड़ा कर सकते हो, या जो ये कार्टून है ये सी बास्केटबॉल को या फुटबॉल को किक कर रहा हो, या ये प्लेन बैकग्राउंड है ये रोड की ये वाली, यहाँ पे कोई और करेक्टर खड़ा हो, जैसे इस तरह से आपने अपनी इमेज को क्लिक करके ऐसी बैकग्राउंड में भी डाल सकते हो कि यहाँ पे आप खुद खड़े हो, उस तरह से आपको एडिट करना है। ठीक है, जिस तरह से ये वाले कार्टून को आपने प्रॉपर सिलेक्ट करके कि इसको हमने वहां फिट करना है। अभी मैं एक शॉर्टकट टेक्निक से इसको डिलीट कर रहा हूँ, इसकी बैकग्राउंड, ये आपको बताऊंगा ये भी नेक्स्ट क्लास में। अब जैसे ये कार्टून को हमने यहाँ पे रखा, कंट्रोल टी किया और इसको हमने यहाँ पे इस रोड पे खड़ा कर दिया। ठीक है, इस तरह से आपको अपने अकॉर्डिंगली नेट से इमेजेस लेनी है या अपनी खुद की इमेजेस लेनी है और उनको फिर आपको एडिट करना है। कुछ मेरे पास इसके रेफरेंसेस भी होंगे, वो थोड़े हाई एंड है, वो बाद में शेयर करूंगा अभी आपके साथ। आपने सिर्फ भी सिंपल बेसिक सी एडिटिंग करनी है इस तरह से। लेयर में लॉक लगा हुआ है और मैं ऐसे सिलेक्शन ले ली, अभी जस्ट एक बेसिक सा बता देता हूँ आपको। डिलीट बटन कीबोर्ड से प्रेस किया, कंटेंट अवेयर का ऑप्शन आ रहा है, डिलीट। ये देखो डिलीट नहीं हुआ, कुछ और ही शेप बन गई। बट अगर हमारी लेयर अनलॉक होती तो सिंपल डिलीट बटन आप प्रेस करते तो बैकग्राउंड आपकी डिलीट हो जाती। ये जो चेकर से आ रहे हैं मतलब इट इज ट्रांसपेरेंट, आप इसके पीछे कुछ भी रखोगे वो दिखने लग जाएगा। अगर मैं ये करेक्टर को रखूंगा यहाँ पे इसके नीचे यहाँ से, तो ये ऐसे दिखने लग जाएगा। देखो जहां जहां ट्रांसपेरेंट पार्ट है वहां पे दिख रहा है, अदरवाइज उसके पीछे छिप रहा है वो। ठीक है, इस करेक्टर को आप एडिटिंग करनी है, यहाँ खड़ा कर सकते हो इस पिलर के ऊपर यहाँ पे। ठीक है, ये आपको अपनी क्रिएटिविटी यूज करनी है कि कैसे आप इसको डिजाइन कर सकते हो। ठीक है, अभी आज कौन कौन प्रेजेंट हैं? करणवीर है, सुनीता है, अनमोल है, सचलीन, बस यही है ना, किसी का नाम रहा तो नहीं। चार लोग ही हैं आज। गुरलीन ने भी ज्वाइन किया था, वो है नहीं अभी।